दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। सिटीवन में आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटीवन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। अपर मुख्य सचिव व जिले के नोडल अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शासन द्वारा जनपद में कराए जा रहे निर्माण कार्यों का मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, कहा समय रहते गुणवत्ता युक्त किया जाए कार्य। लैब टेक्नीशियनों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग तैयार करा रहा है मोबाइल केबिल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विवेचकों व CCTNS की गोष्ठी कर कहा निष्पक्षतापूर्ण तीव्र गति से कराया जाए कार्य। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरी, जिला प्रशासन व DDU परीक्षार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नकल विहीन सकुशल परीक्षा कराएगा संपन्न। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में होने वाले जन्माष्टमी महोत्सव के दृष्टिगत मंदिर का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। लॉकडाउन में हुक्का बार में पार्टी, पुलिस ने मौके से हुक्का बार संचालक सहित 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ गोरखनाथ थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। शासन के निर्देश पर लगाए गए 2 दिवसीय साप्ताहिक संपूर्ण लॉकडाउन का पुलिस प्रशासन कड़ाई के साथ करा रहा पालन। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन लगातार नावों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है राहत सामग्री, जनपद में 150 से ज्यादा लोगों को लगाया गया है लोगों की सहूलियत के लिए। और जिला प्रशासन के निर्देश पर अग्निशमन विभाग दमकल की गाड़ियों से शहर के प्रमुख क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर करा रहा सैनिटाइजेशन का कार्य। जिले के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव चीनी गन्ना उद्योग, गन्ना विकास तथा आबकारी संजय आर भूसरेड्डी 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन COVID-19 रोकथाम हेतु स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, जो 24 घंटे क्रियाशील रहता है, जिसमें राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम, पशुपालन, पंचायती राज, विद्युत, मंडी, खाद्य एवं औषधि आपूर्ति आदि समस्याओं के संबंध में कंट्रोल रूम में फोन किए जाने पर तत्काल प्रभाव से संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है, उसका संबंधित अधिकारियों के साथ गहनता से निरीक्षण किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आने वाली शिकायतों के रजिस्टर की जांच की और मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नहीं सर, ये पेशेंट का नंबर है, ये मैंने अपील किया है सर। हाँ तैयार हो गया।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया। और कल हम लोगों ने शहर की साफ सफाई वगैरह देखी है और यथावश्यक निर्देश मैंने दिया हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जनता से भी मैं इसमें अपील करूँगा कि महामारी सभी को मिल के काम करना होगा। इसमें केवल सरकार या जिला प्रशासन ही अपने से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अपने से वो नहीं पूरे महामारी पे नियंत्रण कर पाएगी। इसमें जनता को भी आगे बढ़कर सहयोग देना होगा। और ख़ास बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि इतनी सख्ती और सख्त कानून के बावजूद भी कई लोग, कल मैंने शहर में देखा कि वो लोग न सोशल दूरी बनाए रख रहे ना वो मास्क पहन रहे। तो मैं जनता से करबद्ध अपील करूँगा, बहुत विनम्रता से अपील करूँगा इसके पहले कि हम सख्ती करें और फिर हम कानून का इस्तेमाल करें और उनके ऊपर दंड आरोपित करें या उनको पुलिस विभाग के थ्रू कार्रवाई करें। मैं चाहूँगा कि वो खुद अपने दो गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने। बहुत लोगों को मैं देख रहा था अनावश्यक सड़क पर घूम रहे थे। अगर घर कोई काम नहीं है तो कृपया करके घर पर रहे और अपने और अपने परिवार और अपने इष्ट मित्र और अपने परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शासन द्वारा जनपद में कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकल ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तोरा नाला शोधपीठ, मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक नाला निर्माण, फोरेंसिक लैब का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को समय रहते गुणवत्ता युक्त कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। क्रियाशील गाजियाबाद और लखनऊ और आगरा, ये तीन क्रियाशील। तो इसमें बहुत सारे जिले आएंगे, आप ये बताएं कि यूपीआरएन का बी और सी का फिजिकल प्रोजेक्ट आज की डेट में तो वो आप लगाएंगे माननीय संसाधन फर्नीचर और पिक्चर्स जो भी चाहिए उसकी एक तालिका बना के वो आपकी लिस्ट रेडी है, हमने मतलब दे रखा है, आपने दे रखा है, वो साइन की हुई कॉपी मुझे भी एक दे दें, कब दे दें? कब दे दें? ये कल दे दें, सोमवार को दे देंगे मिलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ आप ऐसा करिए, मैं हूँ सर, आप मैं आपको हफ्ता 15 दिन लेटूंगा सर, आप बिल्कुल मिलिए सर।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडल आयुक्त जयंत नलिकल ने बताया, प्रोजेक्ट में जैसा कि देखा गया सुबह से हम लोग देख रहे हैं, कोविड की वजह से कुछ समस्याएं आ गई हैं, कुछ रुकाव हो गया है और उसी को बहुत स्पीडली करने को कहा गया है। आशा करते हैं जितने भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखे हैं उसमें सितंबर अक्टूबर तक ये पूर्ण कर लिए जाएंगे और उसमें इंपॉर्टेंट जैसे मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया का रास्ता है, महेंद्र वैद्यनाथ सोत पीठ है, FSL जो ये हमारी विधि विज्ञान प्रयोगशाला है इसका BOC ऑलरेडी क्रियाशील हो चुका है, इसके लिए कुछ मानवीय संसाधन की आवश्यकता है और ये को भी 15 सितंबर तक ये कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि ये यहाँ पर FSL चलेगी जिससे कि हमें क्राइम कंट्रोल में जो एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिसको हम चाहते हैं कि हम समय से अक्टूबर के अंदर सबको पूर्ण करके और जनता को ये दे सके और उनकी सुविधाएं दी। नालों का देखिए, आज नाले भी हम लोग ने जैसे कि वो तुर्रा नाला से कनेक्टिंग नाला जो 6 किलोमीटर CNDS बना रहा है उसको भी देखा गया है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति हो जाती है और उसमें देखा गया है कि कुछ जगह इंक्रोचमेंट है, कुछ जगह लोगों ने दुकानदारों ने अपना प्लास्टिक का पदार्थ डाल दिया, नगर आयुक्त साहब भी साथ में थे। तो अभी बरसात सीजन के लिए अगले कम से कम 1-1.5 महीने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि इसको जो बन गई है ड्रेन इसको क्लीन किया जाए, कंटिन्यूसली लगातार उसको साफ़ किया जाए और जहाँ पर नहीं बनी है वहाँ पर कच्चा 10 दिन में खोद दिया जाए जिससे कि कम से कम पानी निकल जाए और जो भी काम रह गया है सितंबर के बाद उसे कम्प्लीट किया जाए। वैश्विक महामारी के बीच जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों का कोरोना सैंपलिंग कर रहा है। ऐसे में अधिक भीड़ हो जाने की दशा में यह नहीं पता चल पाता कि कौन संक्रमित है और कौन अस्वस्थ, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में मोबाइल केबिन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें जांच के दौरान लैब टेक्नीशियन पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं होगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के विभिन्न जगहों पर 22 केबिनों का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। छोटा सा लगाना हो, ज्यादा चौड़ा नहीं लगाना हो, छोटा सा उस पर रख सके अपना जो VTM वगैरह है उसको रख सके अंदर से ला के इधर सामने चलते हैं कि साइड में पूछ और कम 6 इंच से ज्यादा आपका यार ये ओपनिंग ठीक है क्या, इसको बंद करना पड़ेगा, केवल बैठेंगे ये बंद भी हो जाएगा, अंदर क्या कोई पंखा अंका लगाने के लिए कोई प्रोविजन रख ले, इसकी जगह पे प्रोविजन के बस केवल ये बना के दे देगा और जो एक्स्ट्रा जो फिटिंग के दोगे ताकि इसे छेद होता है ना फिर अंदर से वायरस आने के लिए आप इसको फिक्स कर सकते हैं, रबड़ का होता है ना, फलौटियाँ मिल जाएगा क्यों मोल्डिंग होती है, फलौटियाँ मिल जाएगा, हाँ फलौटियाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, वो फिक्स वो करके ऊपर से वो सील सील कर अंदर से आप इसको इस पे चिपका देंगे, हाँ इसी पर चिपका देंगे, हर पेशेंट के पास आपके पास फोटो है, केवल एग्जॉस्ट के लिए जगह रख ले, हाँ प्लास्टिक वाला छोटा सा एग्जॉस्ट, क्योंकि हम लोग को वन वे फ्लो हो जाएगा ना फिर ये तो। अच्छा उसमें यहाँ अर्बन PSC में सैंपल लेने वाले हैं ना, उसी के लिए ये बहुत बढ़िया, वो सामने एक टेबल में जो भी लग जाएगा आदमी आके बैठ जाएगा, नहीं तो खड़ा भी हो जाएगा, सैंपल ले लेंगे वो, नहीं सर स्टूल रख सकते हैं, स्टूल रख सैंपल लेके साइड में रखना होगा जो ठीक है। एक बात बताओ सर, इसको हम मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, बेसिकली जो लैब टेक्नीशियन है उनका सुरक्षा के लिए कैबिन है जो सैंपल लेता है, बहुत एक दो लैब टेक्नीशियन मेरा इन्फेक्ट हो रहे हैं PPE किट पहनने के बाद भी, ताकि जो भीड़ ज़्यादा आती है लाइन फिर भी हम लगा देते हैं, हम लोग को पता नहीं रहता कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, ये कैबिन हम बना रहे हैं, कैबिन बनाने के बाद एक बार सेफ हो जाएगा और ये मोबाइल कैबिन भी है, कहीं से भी जा करके कहीं सैंपल लगाना है लेना है वहाँ लगा करके करा सकते हैं, उसी की हम शुरुआत कर रहे हैं, 22 कैबिन हम ऐसे बनाएंगे, आज सैंपल ओके हुआ है, ये अर्बन PSC में लगेगा, खासतौर पर कहाँ सैंपल लेंगे स्कूल कॉलेजेस जो जगह जगह कैंप लगता है उसी पर लगा करके करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पुलिस लाइन के पुलिस मैच सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच विवेचकों एवं CCTNS की गोष्ठी हुई। गोष्ठी के दौरान संबंधित अधिकारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्य में निष्पक्षता के साथ तीव्रता लाने की जरूरत है बताया। लेकिन वो सर रिपोर्ट सर अभी दिए हैं सर, अभी इन्होंने जो है मुकदमे सर जो है इसमें बहुत सारे जो है गलत आख्या भी दे दिए हैं सर, इसमें अभी तक स्टार्ट भी नहीं, कुछ थाने स्टार्ट किए हैं सर, कुछ अभी थाने स्टार्ट भी नहीं किए हैं सर, अभी गुलरिया खोराबाग झगहा सीकरीगंज गेलघाट राज पहला इशू आप बता रहे हैं
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, सीसीटीएनएस के जो ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स और हमारा जो मुंशियाना है उन सब की मीटिंग थी, जिससे कि हमारी कार प्रणाली थोड़ी स्पीड में आ सके, ऑनलाइन FIR रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन सत्यापन, ऑनलाइन कैरेक्टर वेरिफिकेशन, इन सब की हमने समीक्षा करी कि किस थाने के कितने पेंडिंग हैं, क्यों पेंडिंग हैं, कहाँ कंप्यूटर सिस्टम वीक हो रहे हैं, कहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इस तरह की समीक्षा की गई, जिससे कि हमारे थानों की कार्यप्रणाली और तेज़ हो सके और लोगों को और बेहतर सुविधा और बेहतर पुलिसिंग मिल सके। आगामी 9 अगस्त को होने वाली उत्तर प्रदेश BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रशासनिक अधिकारी व जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयारियों का जायजा अंतिम रूप से लिया गया। प्रश्न पत्रों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में CCTV कैमरे की निगरानी में रखा गया है। वहीं परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर व ग्लव्स लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ADM City RK श्रीवास्तव ने बताया, परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय इस वर्ष कंडक्ट करा रहा है। ये परीक्षा कल 9 अगस्त को दो पारियों में संपन्न होनी है, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसकी व्यवस्था के लिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा दी गई है और इसकी बैठक कल यहाँ पर सभी प्रिंसिपल साहिबान के साथ, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ और यूनिवर्सिटी द्वारा नामित ऑब्जर्वर्स के साथ समिति ने यहाँ की कर ली है और सभी तैयारियाँ पूर्ण हैं और परीक्षा का मटेरियल के लिए पूरी तैयारी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए कोषागार पूरी तरह से तैयार है और सारी व्यवस्था है। सैनिटाइजेशन सभी स्कूलों में करने के निर्देश दे दिए गए हैं, फर्नीचर और कमरे सब सैनिटाइज होंगे। हर बच्चे के लिए ये निर्देश है कि वो अपना मास्क और अपने साथ सैनिटाइज़र और अपने साथ ग्लव्स, ये तीनों चीज़ें लाएगा, ये प्रवेश पत्र पे लिख दिया गया है।
यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइंस के हिसाब से, तो ये लाएंगे। फिर भी अगर कोई बच्चा त्रुटिवश भूल जाता है तो उसके लिए भी सैनिटाइजेशन की, ग्लव्स की और मास्क की व्यवस्था सभी केंद्रों पर रहेगी। सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ही ये परीक्षा कराई जाएगी ताकि संक्रमण को फैलने से हर प्रकार से रोका जाए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। चौथी बात सेहत की, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पुलिस लाइन में आगामी जन्माष्टमी महोत्सव के दृष्टिगत पुलिस लाइन में स्थित मंदिर का निरीक्षण कर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जनता आनी नहीं है तो कहाँ करोगे इस बार? हमें लगता है वो बैरकेडिंग वर्किंग लगाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ चार फुट तखत नहीं डालो, नहीं हरे गाँव हरे कृष्णा भजन भजन गाओ। अभी ये लोग निकाल लेंगे तो केमिकल डाल के। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, कोरोना की गाइडलाइंस चल रही हैं, लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए सभी समारोह बनाए जाने के लिए निर्देश हैं, और जिसमें सार्वजनिक रूप से कोई भी समारोह नहीं हो रहा, ना कोई त्यौहार हो रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में त्यौहार मनाएंगे और परंपरागत ढंग से पुलिस लाइन का जो मंदिर है उसको साफ सफाई करा के साफ कराया जा रहा है और सजावट अच्छे से की जाएगी, और यहाँ का जो स्टाफ है वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जन्माष्टमी अवश्य मनाएगा और धूमधाम से मनाएंगे। और यहाँ के लिए मैं सभी लोगों को इस पर यही कहूँगा कि हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो निर्देश हैं उसी हिसाब से हमें अपने सभी त्यौहार मनाने हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार है। जैसा कि अभी तक के, चाहे वो आपने देखा कि शिवरात्रि या आपका पूरा सावन का महीना मंदिर में
कोविड गाइडलाइन के तहत कोई बड़ा जुलूस नहीं निकला, कहीं कांवड़ नहीं निकली, कहीं कुछ नहीं निकला, तो उसी को मान ध्यान में रखते हुए ये साल हमारा चूँकि बहुत क्रिटिकल जा रहा है, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि जो है अपने अपने घरों में ही त्यौहार मनाएं और लॉकडाउन नियमों और कोविड गाइडलाइंस के तहत ही करें। सर काफ़ी भीड़ होती है इस लाइन में? नहीं, इस बार जो है जैसा कि हमने बताया कोविड गाइडलाइन के तहत ही हम जो है यहाँ मनाएंगे और कहीं भी किसी किस्म से भीड़ नहीं होने देंगे और एकदम कोरोना से बच करके और बार बार जो हम बार बार संदेश देते हैं कि आपस में दूरी बना के रखें, बार बार हाथ धोएं और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर मत निकलें। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के 10 नंबर बोरिंग के पास स्थित किंग लॉज एंड कैफे नाम के हुक्का बार में शुक्रवार की दोपहर जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया गया था। जानकारी होते ही गोरखनाथ थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह द्वारा मौके पर पहुंचकर संचालक समेत पार्टी में शामिल लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सभी के खिलाफ निषेधाज्ञा के उल्लंघन व महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने सिटी वन संवाददाता को बताया। एक जानकारी कल प्राप्त हुई थी कल दोपहर में कि एक मतलब प्राइवेट रेस्टोरेंट जो 10 नंबर बोरिंग पे है वहाँ कुछ लोग अभी जमा हुए हैं और वो मतलब बैठ के वहाँ पे कोई अपनी पार्टी इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। मौके पर थानाध्यक्ष हल्का दरोगा के द्वारा वहाँ पर जाँच की गई, तो जाँच करने में इस खबर में सत्यता पाई गई कि वहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए उस दुकान के अंदर ये कुछ अति संख्या में लड़के बैठे थे। वहाँ बैठ के एक मतलब पार्टी टाइप की एक्टिविटी हो रही थी लेकिन कोई भी ठीक वहाँ पे नशे की वस्तु बरामद नहीं हुई और ये देखा गया प्रथम दृष्टया कि वो मतलब हुक्का का सेवन वहाँ पे कर रहे थे, तो उस ये प्राइवेट रेस्टोरेंट के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ वहाँ पर जो की जो भी धाराएँ बनती हैं उसके तहत वहाँ मुकदमा पंजीकृत करके उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया एवं वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की गई। कितने लोग थे? 20 से 25 की संख्या वहाँ पर अनुमानित थी। एक रेस्टोरेंट था वो मतलब प्रथम तल पे प्राइवेट रेस्टोरेंट था। गिरफ्तारी किया गया, गिरफ्तारी करके और फिर उनको जमानत दी गई वहीं से थाने से और उसके साथ ही साथ मतलब हुक्का बार तो नहीं है वो एक रेस्टोरेंट है उसके भी मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए मतलब आगे पत्राचार किया जा रहा है। शासन द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए लगाए गए 2 दिवसीय साप्ताहिक संपूर्ण लॉकडाउन के तहत शनिवार को सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। लोग जरूरी कामों के तहत घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए तो वहीं शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ संपूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन करा रहे हैं।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, प्रशासन के माध्यम से नगर क्षेत्र में लॉकडाउन लगवाया गया है। उसके अंतर्गत 56 बिंदुओं पर पुलिस द्वारा बैरियर पिकेटिंग करके ड्यूटियां लगाई जा रही है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। जनपद में तेजी से बढ़ रहा है नदियों के जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन की देखरेख में लगभग 150 नावों को लगाया गया है। वहीं मवेशियों को किसी प्रकार का कोई समस्या न हो, इसे भी ध्यान में रखते हुए उनके चारे और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। लोगों तक राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। वहीं लोगों से एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने अपील की है कि किसी भी समस्या के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम में सूचना दी जा सकती है, जिसे समय रहते निस्तारित किया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने बताया के संबंध में सारी तैयारी है और 86 बाढ़ चौकियां हम लोगों ने तैनात और क्रियाशील कर रखी हैं और राहत शिविर भी जगह जगह आप भ्रमण करेंगे देख लेंगे। सभी जगह नाव की व्यवस्था कर ली गई है। करीब लगभग 150 नाव हमारे गोरखपुर में उपलब्ध थी, छोटी मझोली और बड़ी, उनका हम लोगों ने उपयोग कर लिया है। इसके अतिरिक्त 30 नाव हम लोगों ने फैज़ाबाद से मंगा ली हैं और सदर तहसील में 10, तहसील सैजनवा में 10, 6 खजनी में और 4 बासगांव में भेज दी गई हैं और आवश्यकता पूछी जा रही है। राहत की सामग्री भी हम लोग बहुत तेज़ी से बंटवा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर पानी की मैरून विलेज जो हमारे हैं 41-45 विलेज, उनमें भी जहां पानी की समस्या भी संज्ञान में आई थी, तो सेमरा एक गाँव है जहाँ पर डीएम साहब ने अवगत कराया था कि पानी का टैंकर चाहिए, वहाँ पर 2 पानी के टैंकर पहुँचा दिए गए हैं और वहाँ पर बिजली के लिए जनरेटर सेट्स के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। शासन द्वारा लगाए गए 2 दिवसीय संपूर्ण लॉकडाउन के तहत जिला प्रशासन के निर्देश पर अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा शहर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में अग्निशमन विभाग की गाड़ियों के माध्यम से सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है।
सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया, छिड़काव तो अभी गाड़ियां छिड़काव कर रही हैं, लौट के आने के बाद ही जो है कि उनके द्वारा जो जानकारी दी जाती है कहां कहां पे छिड़काव किया गया है उसी के हिसाब से डिटेल तैयार किया जाता है और सूचना मुख्यालय भेजी जाती है। छिड़काव कोविड-19 को देखते हुए नियमित प्रतिदिन, चाहे वो छुट्टी हॉलीडे हो या वर्किंग डे हो, सब दिन शहर के सभी क्षेत्रों में जितने हॉस्पिटल बने हैं, जितने क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं कोविड का, जहाँ पे हॉस्पिटल है या ऐसे चौराहे, मार्केट, ऑफिसेज, आवास, अपार्टमेंट, पूरे गोरखपुर में नियमित छिड़काव रोज़ गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ रोज़ करती रहती हैं। सर, एक अहम भूमिका निभा रहा है अभी कोरोना काल। एक ऐसी बीमारी आई है कि जो ये नई बीमारी है और इसके बारे में सारे विभाग जो है कि अपना जो उनका योगदान है सभी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अपना योगदान कर रहा है, नगर निगम भी कर रहा है, पुलिस विभाग भी कर रहा है। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।